दिस इज द नेक्स्ट डे इन भुज। कल रात काफी लेट आए थे, अराउंड 10:30 हो गए, तो ठंड भी बहुत ज्यादा थी। बाइक पे आना, आज का प्लान मैं आप लोगों को बताता हूँ अंदर जाके, यहाँ थोड़ी ठंड लग रही है, चलता हूँ थोड़ा अंदर आज हम क्या करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यार मैं थोड़ा अनफ्रेश फील कर रहा हूँ, एक सेकंड लगेगा बस, एक सेकंड, जस्ट लाइक दैट। सो हम हो चुके हैं रेडी और आज का प्लान है कि दैट वी विल बी गोइंग टू मांडवी बीच और उसके बाद एक फोर्ट या किला टाइप है वो एक्सप्लोर करने का हमारा मन तो है, लेकिन ऑलरेडी 9 बज चुके हैं और 1 बजे तक हमें अपनी बाइक जो है वो वापस देनी है। सो देखते हैं हाउ द डे अनफोल्ड्स। और अभी आ गई हमारी चाय, सो चाय पीते हैं और थोड़ी बहुत और चाय पर चर्चा करते हैं अविनाश जी के साथ। अविनाश जी को चाय पिलाते हैं। अविनाश जी को थैंक यू। कैसी बीती अविनाश जी आपकी रात? रंगीन। कल का दिन कैसा गया? कितने सारे मक्खी उक्की मेरे माथे में लगे, एक दो मैंने भी हेलमेट का बहुत ही सारे हेलमेट से देख ही नहीं रहा था कुछ, इतने मर गए। चाय वाय पीते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से, मिलता हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में। बाय बाय। इट्स टाइम टू वेकेट दिस लवली एकोमोडेशन, काफी सही था, मजा आया, एंड टाइम टू से बाय बाय। मिलता हूँ आप लोगों को बाइक पे, देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। सी यू इन ए वाइल। मांडवी बीच जाने से पहले वी डिसाइडेड टू स्टॉप टू विजय विलास पैलेस। मांडवी बीच के पास ही है, करीबन 6-7 किलोमीटर दूर है वहाँ से। हियर इज द विजय विलास पैलेस। बवाल चीज है बे, रहते भी हैं, सिस्टम मिला दिया, इसमें रहते हैं लोग, अच्छा बनाया इसमें, मतलब कौन रहता है भाई, ऐसा घर बना ले अविनाश, ऐसा तो रहता है यार सेलिब्रिटीज वगैरह का, तो घर ऐसे ही रहते हैं ना, इतना लैंड होना चाहिए। दिस इज विजय विलास पैलेस, ये एक लाइक लाइव पैलेस ही है, इसमें रहते हैं यहाँ के जो राजा या महाराजा है वो यहाँ पे रहते हैं अभी, इसीलिए क्योंकि ये जो आप देख रहे हो रेस्ट्रिक्शंस है, वी आर नॉट अलाउड टू गो इनसाइड और सिट ऑन दिस चेयर्स, बस एक टूर टाइप और फील टाइप लेने के लिए पब्लिकली ओपन किया गया है। सो अभी हम यहाँ से निकलते हैं एंड वी आर ऑलरेडी गेटिंग लेट, अभी हमें जाना है मांडवी बीच और 11 ऑलरेडी बज चुके हैं। Thank you.
हमारा लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ भुज। ऐसा बीच मुझे थाईलैंड में दिखा था जब मैं थाईलैंड गया था, तो मुझे थाईलैंड भी याद आ गया ऑलमोस्ट यहाँ पर ये बीच देख के। सो यहाँ का पानी बहुत साफ है, सो इफ यू वांट टू टेक बाथ और इफ यू वांट टू गेट इनसाइड द वाटर देयर इज टेक्निक किया था मैंने, इतना साफ सुथरा होगा ये मांडवी बीच। बट इसमें यहाँ निकलने का टाइम हो क्योंकि हमें 1 बजे तक अपनी गाड़ी वापस देनी है भाई, ऑलरेडी 12 o'clock। तो क्या होता है जी, खत्म कर दे रन की ट्रिप, यहीं पे ख़त्म करना ही बेटर रहेगा, इसके आगे शायद अब हम कुछ और करने वाले हैं। तो वंस इन अ लाइफ टाइम ये ट्रिप कर सकते हैं। हाँ हमेशा मतलब बार बार आप नहीं आ सकते, अगर बार बार मन करें तो बार बार हमारी वीडियोस देख लेना ठीक है। होप आपको ये दोनों वीडियोस या दोनों ब्लॉग्स अच्छे लगे हों, अगर आपको अच्छे लगे हैं तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। बोल बोल के थक गया हो यार, फाइनली कर दो, थोड़े बहुत तो बढ़ाओ, थोड़ा प्रोत्साहन मिले हमें। और अविनाश भी थक गया मेरे साथ घूम घूम के, वो सोच रहा है कब हमारे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले होप छोड़ रहा है ये धीरे धीरे, बोलता है एक दिन वीडियो अपलोड करेंगे कि ये मेरा लास्ट ब्लॉग है, दैट्स इट। तो आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं और जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज जय फ्रॉम चैनल जय पर ब्लॉग्स। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।